हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वॉशिंग मशीन जो है ठीक करना। तो छोटी सी प्रॉब्लम है, तो आप जो है घर पर ठीक कर सकते हो इस तरह की प्रॉब्लम को। तो आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं जो है अपना वॉशिंग मशीन को जो है कपड़े धोने के लिए डाला ही था, तो पानी जो है इसमें लीक हो रहा था। तो आपको दिखाता हूँ कैसे लीक हो रहा है। तो ये देखो, यहाँ से पानी लीक हो रहा है, देखो धीरे धीरे। तो ये खाली जा रहा थोड़ी देर बाद। तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को जो है नीचे उतार दिया है। सबसे पहले इसमें जो है स्क्रू खोलने होते हैं। तो इसी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक पेचकस की मदद से आप जो है पूरा ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। तो इसमें जो स्क्रू लगे हैं वो पेचकस की मदद से खुलते हैं, और जो वाल है वो भी पेचकस की मदद से ही खुलेगा। तो आपको दिखाता हूँ खोल के। तो सबसे पहले आप जो है इसके कवर को खोल लो। तो इसको जो है खोलने के लिए पेच होते हैं छोटे छोटे, तो इसको पेच इस तरह के होते हैं, देखो छोटे छोटे, तो स्क्रू लगे होते हैं, तो इसे खोलना होता है। तो इसे मैंने खोल ही लिया है, देखो ये हटाने के बाद तो इस तरह का होता है देखो। तो ये जब ऊपर खींचते हैं ना हम, तो देखो इससे पानी लीक होता है। तो अक्सर होता है क्या है ना, यहाँ पर एक वाल होता है इस जगह पर, तो ये जो है यहाँ से पानी आता है, तो ये वाल ऊपर उठता है तो पानी निकास होता है। तो यहाँ कई बार वाल में कचड़ा फंस जाता है, कपड़े का रेसा हो या कोई आपके जेब में कोई चीज़ हो, तो यहाँ चले जाती है तो जाली के थ्रू। तो फिर उसके बाद ये लीक करता है, तो लीक होता है तो हमें इसे ठीक करने के लिए इसे खोलना होता है। तो इसके ऊपर स्क्रू होते हैं देखो, तो मैंने अभी निकाल दिया है, तो यहाँ पर लगते हैं स्क्रू देखो इस तरह से। तो मैंने इसे खोल दिए हैं। तो इनको खोलने के बाद यहाँ पर एक लॉक होता है देखो, इनको दबा के जो है इसे फिर ऊपर को उठाना होता है। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, जिससे जो आप घर पर ही जो है वॉशिंग मशीन जो है ठीक कर सकते हो। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी आप मैकेनिक को बुलाते हो तो वो जो है 200-300 रुपये तो ले ही लेता है मिनिमम। चलो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसे खोल दिया है, तो आप भी जो है ऐसे ही खोलना। तो सारी वॉशिंग मशीन का सिस्टम ऐसा ही होता है देखो, तो ये ऊपर खुल गया है, और इसे निकालने के बाद ये स्प्रिंग भी निकाल दी है मैंने, और मेन होता है ये, उसमें एक रबड़ होती है जिससे पानी लीक नहीं होता है। तो इसे जो है निकालते हैं, ये निकाल दिया। तो ये जो है, तो ये देखो यहाँ पर इस तरह का रबड़ होता है, इतना गंदा हो गया है, तो ये रेसा फंसा था देखो, तो इसकी वजह से दिक्कत कर रहा था। और अब जो है इसे साफ़ करते हैं बढ़िया से, और देखते हैं इसमें और तो कुछ नहीं है। तो ये कचरा जमता ही है समय के साथ साथ, तो और ये वाल जो है थोड़ा सा उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा है मेरे को, तो इसलिए भी ये साला मेरे को लग रहा है ये थोड़ा कड़क टाइप का भी हो गया है, मतलब सफाई मांग रहा है वॉशिंग मशीन। हाँ, अगर मैं इसमें, इसका एक और उपाय है वैसे, अगर मैं इसमें जो है एसिड डाल देता तब भी ये अच्छे से साफ हो जाता। फिलहाल मैंने खोल दिया है तो साफ कर ही लेते हैं। तो ये देखो मैंने इसको बढ़िया से साफ कर दिया है, और अब ये जो है सही से चलेगा, और अंदर का कचरा भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ अंदर ना बहुत कचरा जम जाता है समय के साथ साथ, कार्बन टाइप का, और ये साफ़ है। तो इसको जो है जैसे निकाला था वैसे ही डाल देना है। तो इस रबड़ को बैठा के जो है इस तरह से किनारों से ना रबड़ बैठा दो, तो और इसको जो है फिर लगा दो जैसे निकाला था। तो स्क्रू साइड से स्क्रू साइड मिलाने के बाद ये देखो दबा दिया मैंने, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये जो है अब लग चुका है देखो, तो यहाँ पर ऐसे लॉक बने हुए होते हैं, तो ये कस गया है। अब इसमें स्क्रू नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, पर फिर भी स्क्रू कंपनी ने लगा के दिए हैं तो लगा देते हैं, क्योंकि क्या पता ये कभी लॉक टूट भी सकते हैं ना, प्लास्टिक कमज़ोर होता है समय के साथ साथ। तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये बढ़िया सा काम कर रहा है। पहले जो है इस तरह से सही से दब नहीं रहा था। आपको मैं जो है वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ बता देता हूँ, तो आपको जो है समझने में आसानी हो जाएगी। तो वॉशिंग मशीन में कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो ये मोटर होती है, इसमें जो है एक बेल्ट भी है, तो इसमें जो है मोटर घुमाने का ही काम करती है इसको, तो कपड़े धुलते हैं। और एक मोटर ये होती है जो सुखाने का काम करती है, इसमें ब्रेक भी होता है देखो, स्प्रिंग लगा हुआ है तो रोकने के लिए ढक्कन पर। तो दो मोटर का ही काम है, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। अगर मोटर ख़राब, वॉशिंग मशीन ख़राब, बाकी कुछ नहीं इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही आती है वाल लीकेज में, और साथ ही जो गियर बना है ना अंदर प्लास्टिक वाले बॉक्स में, तो वहाँ रबड़ में दिक्कत आती है। बाकी वॉशिंग मशीन इतनी जल्दी कोई ख़राब नहीं होती है। तो ये मेन वायर है, तो ये कंट्रोलर ऊपर, तो अब इसको बंद कर देते हैं। हर वॉशिंग मशीन का जो है सिस्टम सेम ही होता लगभग, अगर वो इस तरह का सिंपल वॉशिंग मशीन है तो। तब
तो अपनी ये वॉशिंग मशीन जो है ठीक हो गई है, तो अब फर्स्ट क्लास चल रही, देखो चल तो रही थी पहले से, और पानी लीक नहीं हो रहा है, देखो ओके है, पहले यहाँ से पानी लीक हो रहा था। ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए लोग मैकेनिक बुलाते हैं और उसके बाद जो है अच्छा खासा चार्ज देते हैं, मान लो कि जैसे वो 200-300 तो आने का ही लेता है, उसके बाद जो है इसको ठीक करने के भी पैसे लेता है, तो आपके जो है 500-700 रुपये चले जाते हैं। तो आप जो है अपने घर पे ही जो है 10-20 मिनट में इसे ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा जो है झमेला है कि यार खोलना वोलना पड़ता है, और जो लोग थोड़ा बहुत कभी हाथ नहीं लगाए हैं इस तरह की चीज़ों में, तो उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो लगभग आजकल जो है वॉशिंग मशीन लगभग बहुत सारे लोग आजकल घर पे यूज़ करने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, तो मैंने डाल दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और साथ ही जो चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।